प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। राधे राधे साहब, फिरते हाजिर है आपको ब्रिजवासी राघविंदर आपके संग नया मुद्दा लेके। वैसे मुद्दा नया ना है, मुद्दा तो चुनाव को है, तो चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के संग संग पांच राज्यों में चल रहा है। तो भैया, हम तो उत्तर प्रदेश के आदमी है, ब्रजभाषा के आदमी है, तो ब्रजभाषा की बात करेंगे और ब्रज क्षेत्र की बात करेंगे। तो ब्रज क्षेत्र में मैं आगरा में हूँ, और आगरा में कहाँ हूँ, आगरा में जो यूनिवर्सिटी है, आगरा को विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जाके सामने पार्क स्थित है जो पालीवाल पार्क, जहाँ मैं मौजूद हूँ। हर पार्टी जो कह रही है कि 300 प्लस 400 प्लस सीटें आएंगी, मतलब 350 प्लस सीटें आएंगी, अब कौन सी पार्टी 300 प्लस लाएगी जी, तो जब मालूम पड़ेगी जब 10 मार्च को गिनती है जाएगी वोटर की, जब वोट पच जाएंगे गिनती है जाएगी। अभी हमारे संग तमाम लाला मौजूद हैं, इन लालनंद से बात करेंगे कि लाला रे हो, कौन सी सरकार आ रही है और तुम्हारी सरकार ने करो कहा है तुम्हारे लिए, या जो सरकार आएगी वो कहा करेगी। तो हमारे संग मौजूद हैं साहब, क्या नाम है आपको? विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर जी, बताओ कि कौन की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में? सरकार आएगी योगी जी की। योगी जी सरकार आ रही है, क्या करो ऐसा योगी जी सरकार आ रही है? सरकार इसलिए आ रही है क्योंकि ये देश है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो संस्कृति है वो हिंदुओं की है। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया कि हमारी हिंदू संस्कृति की उन्होंने रक्षा करी है। अच्छा, हिंदू संस्कृति की रक्षा करवे तो घर चल जाता है? घर क्यों नहीं चलता है, घर अलग चीज हो गई। अभी जो नेता आए थे, जितने भी नेता थे इससे पहले, उन्होंने सबको सपोर्ट किया। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ, सबको सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हिंदुस्तान है और यहाँ हिंदू संस्कृति को जिसने बचाया है वो योगी जी ने। उसके बाद में इतना विकास हुआ है, आप खुद देख रहे हो। अच्छा चलो जी, एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, हिंदू संस्कृति तुम्हारी बात मान ली, योगी जी कह रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ यार कि लोगों की जो क्या कहते हैं वो जरूरतें होती है, जैसे कि खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, काम धंधा की जरूरत, जे पूरी भई है कि ना भई? बाबा तो पाली ने सवेरे से संजय था बाबा को खा रहे हो, लेटन बाबा की राशन, बाबा को बिजली फ्री कर दी, इतने पुल बनवा दे और का चाहिए भैया होगा, जान ले। अच्छा सही वजह, तो तुम चाह रहे हो कि बीजेपी आएगी? कौन से ने कर दो, कौन से नेता ने दोनों दो? अच्छा। महीना में दो बार राशन दे रही है, तो भैया राशन मेरे को खा रहे हैं और गुनगा रहे हैं और नगे, तो जो कहा है जो गलत बात है ये। तो जा रहे थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी आ रही है, तो साहब इनको कह हुआ है कि बाबा को ही सब कुछ खा रहे हो, बाबा ही सब कुछ दे रहे हैं, बाबा की नौकरी कर रहे हो, बाबा को खाना खा रहे हो, बाबा को घर है, तो अपनों का चुना है आदमी। देखो अभी इन्होंने जो बात बोली थी ना कि हिंदुओं, ये हिंदुओं का देश है, ये हिंदू नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सब रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का देश है, कैसे हिंदुओं का देश? अभी इन्होंने बोला कि बाबा सब कुछ दे रहे हैं, बाबा ने क्या दिया मुझे एक बताओ? बाबा ने बस क्या किया, इलाहाबाद उसको प्रयागराज किया, इससे विकास हो रहा है बताओ? जब एक बताओ, जब मनमोहन सिंह देश से गया था तब इंडिया की GDP 9.05 कुछ थी लगभग, आज इंडिया की GDP क्या है? इनको पूछा करिए, पढ़े लिखे हैं तो पूछो ना इनसे। तो इंडिया की GDP मतलब GDP देश की जो है कम है गई कुछ, बस मैंने बोला था अभी आपसे कि धर्म के नाम पे जीतते हैं बस, अभी बात आ गई हिंदू और मुस्लिम वाली, धर्म के नाम पे बस वोट दे रहे हैं, ये विकास के नाम पे नहीं दे रहे। अच्छा। बताओ इन्होंने विकास क्या कराया मुझे बताओ? तो विकास अच्छा चलो, जाते पहले भी सरकार रही, हाँ क्या हुआ? एक्सप्रेस वे सपा की देन है उत्तर प्रदेश में, या अगर तुम्हें कौन लगता है कौन आएगा उत्तर प्रदेश? अखिलेश आएगा, उसी का वोट डालूंगा मैं, उसी को वोट डालूंगा, वो सपोर्ट भी उसी को करूंगा। अच्छा तो अखिलेश ने जो काम किया बात है, तुम संतुष्ट हो? क्यों, एक्सप्रेस मैं नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे किसकी देन है मुझे बताओ? सपा सरकार की, सपा सरकार में शुरुआत, मेट्रो बननी है किसकी देन है? वो उसी की देन है। अच्छा अखिलेश की देन है, योगी ने पुलिस की भर्ती, पुलिस की भर्ती इससे पहले दो, योगी ने विकास दो पुलिस की भर्ती हुई अभी इससे पहले, वो बाबा ने पूरी कराई है, वो किसकी देन है? अच्छा उसी की देन है। आज रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आया है, जो जो एग्जाम डले, जब फॉर्म डले थे 2019 में, ठीक है, और एग्जाम अब दिए 23 फरवरी से शुरू होंगे, उसमें भी ग्रुप डी की भर्ती उसको क्या कर दिया, CV2 में कर दिया, पहले वन होगा फिर टू होगा, मतलब तुम्हारा कहना ये है ISPCS लेवल का, तुम्हारा कहना ये है कि रोजगार खत्म कर दे, रोजगार खत्म कर दे, मतलब धर्म की राजनीति कर रहे हो, विकास कर नहीं रहे हो, तो जा रहे तो परेशानी आ रही है। पूरी बात तो बोलने दो, नहीं अभी ये कह रहे ना हिंदुओं का देश है, उसकी बात कर रहा हूँ ना मैं। इन्होंने कैसे कह दिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? राष्ट्रपति थे, वो मुस्लिम थे या हिंदू थे? मुस्लिम थे। तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया या नहीं किया? बिल्कुल किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो फिर इन्होंने अभी क्या बोला कि ये हिंदुओं का देश है? चलो वो देखो मेरी बात सुनो, वो उनकी सोच है,
कौन थे वो? आप कह रहे हो कि सपा आएगी, सपा ने विकास किया हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे। अरे देखो यहाँ बताओ, ये चैनल चला गया सबको बोलने का। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी खुल के आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने काम किया है, अखिलेश काम करता है, और योगी ने नाम चेंज करने के अलावा कुछ नहीं किया है। और अखिलेश काम करेगा, अच्छा काम करेगा। अखिलेश हमारा देश का अच्छा नेता है और युवा नेता है, वो जानता है कि अच्छा, अखिलेश यादव पे कई बार आरोप लगत रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव आतंकवाद इनको समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अखिलेश को गुमराह किया जा रहा है। सर मुझे और बोलने दीजिए, जब कोविड आया था तो कोविड में भी हिंदू मुस्लिम की बात की गई, उन्होंने क्या बोला कि कोविड मुस्लिम से फैल रहा है, हैं मुस्लिम की ठेला सब्जी बेचने आ रहा है उसकी ठेल फेंक रहे हैं, मुस्लिम को बाहर से भगा रहे हैं, इतनी सारी नफरत पैदा। मतलब आपको लग रहा है कि धर्म की राजनीति अकेला अकेला मुस्लिम में? अरे धर्म की क्यों से नहीं रह रहा? आपका कहना था धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी, सिर्फ धर्म की राजनीति, धर्म पे जीतती है बस, विकास नहीं कर रही। इसका काट कैसे करेंगे आप? कैसे काट करेंगे? दूसरी सरकार लाइए, दूसरी सरकार को वोट दो। मैं ये नहीं कर रहा सपा को वोट दो, जो अच्छा आदमी उसको वोट दो। किसको वोट दे? जो विकास करे उसको वोट दो, विकास करे उसको, हाँ उसको वोट दो। सबको अलग, सबको अपना अपना हक है देने का, सबको अपना अपना। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोला कि भाई तू इसको वोट दे, तुमको जो अच्छा लग रहा है उसको वोट दो। आपका कहना ये है कि बट धर्म के नाम पर मत, हाँ धर्म के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, विकास के नाम पे वोट, विकास के नाम पे वोट, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है, वो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विकास के नाम, विकास के नाम पे वोट चाहिए। ठीक है, तो इनको क्या हुआ कि विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देव त्यागी है। देव त्यागी जी बताओ कि कौन सी सरकार आ रही है चुनाव में, क्या लग रहा है कि कौन ज्यादा बहुमत पे आएगा या कौन को सफाया जाएगा, क्या लग रहा है? देखो टक्कर बराबर की है, योगी जी और अखिलेश भैया में, और अखिलेश भैया आएगा इस बार, अखिलेश भैया आएंगे। क्यों कारण कहा जाओ? कारण ये है कि वो बंदा काम कराने वाला है। अच्छा। इनकी सरकार में क्या है कि गरीब लोग हैं ना, वो तो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जनता ये राशन दे दे के मतलब लोगों को लालच दे रहे हैं कि हम राशन दे, तो राशन मिल रहा तो अच्छी बात है ना, राशन गरीब तो रहा हूँ, ये सरकार में लालच दे रहे हैं, लालच बुरी बला होती है, यही चीज है उनके में। और अखिलेश भैया ने तो वास्तव में काम मतलब फ्री में राशन, लोगों ने लालच दो जा रहा, फ्री में राशन जो दिया जा रहा है, हाँ धर्म के नाम पे लालच दो जा रहा है। हाँ तो तुम्हें लगता है कि साहब अखिलेश की सरकार मान लो अगर आ रही है यूपी में, तो क्या लगता है वो फ्री में राशन नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? वो भी पहले दे रहे थे अखिलेश भैया, पर तो बराबर है वो दोनों में? नहीं नहीं नहीं, ये डबल दे रहे हैं और दे रहे हैं अभी हैं, फिर देखना तुम आगे, मतलब योगी आए तो देख लेना क्या हो रहा है आगे। आधी जनता तो गई, देखो मैं बता रहा हूँ, वजूद इनका खत्म हो गया। अच्छा। आधी जनता वो रह गई है, वो अगर इस बार नहीं आएगी तो मतलब साइकिल को वजूद बनाओ और कमल को वजूद गयो, वो तो टूट के मतलब गुमराह हो जाता है, और साइकिल अगर पंचर हो जाएगी तो दोबारा जुड़ जाती है, दोबारा जुड़ जाती है, तो साइकिल तो चलेगी। तो साइकिल कभी पुरानी तो है तो वो तो नई कस जाते ना, मैं डबल फूल दोबारा नयो नहीं होगा ना, पुल नया पैदा है जाता ना कली में, कली में ही देखो वो पुल टूट के बेकार है जा, वो साइकिल द्वारा नहीं है सकते, द्वारा नहीं हो सकते। तो नई है क्या आ रही है पुरानी? हाँ 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 नई होगी। 22 में बाइसिकल? हाँ बाइसिकल। हाँ साहब क्या नाम है तुम्हारा? जी कह रहे हैं कि साहब 22 में बाइसिकल आ रही है, पुरानी साइकिल है दोबारा तो नई है कि कस के फिर आ रही है, क्या लग रहा तुम्हें? वो तो कबाड़ी में जाएगी, कबाड़ी में जाएगी, नॉन लो जाओ, फिर योगी जी नॉन पैक करवाए जो राशन बांट रहे हैं दो जाओ, तो साइकिल अंत इतना नॉन आ जाओ कि पूरी जनता बढ़ जाओ, थोड़ा बहुत तो आई जाओ, कछू तो मदद मिलेगी, कछू तो मदद मिलेगी। तो मतलब तुम्हें लग रही ना है कि साइकिल आ पाएगी? नहीं। क्यों ऐसा कारण का है? ऐसा कारण जी अगर वो आवती सपा सरकार आवती तो मुलायम सिंह जी की जो लड़के की पत्नी है वो बीजेपी में क्यों आती है फिर, अगर उनका परिवार में? अच्छा पढ़ना यादव बीजेपी में आ रही जा रहे थे कह रहे हो तुम? नहीं अगर परिवार मजबूत हो तो तभी तो देश अच्छा। अगले से आओ तुम जो कह रहे हैं कि संभाल पा रहे तो देश कैसे संभाले? अगले से आओ तुम जो कह रहे सुनो, बीजेपी के नेता सपा में नहीं जा रहे, स्वामी प्रसाद रात ही रात में चले गए। अरे सुनो अखिलेश यादव तो नेता नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं बोलो क्या, जिन लोगों के परिवार नहीं थे वो अब परिवार की अहमियत समझ में लग गए, यानी कि अपना ले लो तो परिवार की अहमियत समझ लग गए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले वो अपने परिवार से संभालें, जब चुनाव में आवे हमका मना कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी बिल्कुल, परिवार तो अब तो संभव है, कहाँ से संभव है? जब एक आदमी अपने परिवार ना संभाल सकता तो पूरे उत्तर प्रदेश कैसे संभाल सकता है? मतलब अखिलेश यादव जब तक अपने परिवार नहीं संवारेंगे तब तक उत्तर प्रदेश में नहीं बैठ पाएंगे। उनकी उनकी भाई की बीवी जो है वो क्या कह रहे हैं? तुम्हारा क्या वजह? सरकार वो चलाएगा जो परिवार संभाले, वो जो मैं योगी जी से शुरू से सहमत थी, उनकी राजनीति से सहमत थी, उनकी हर चीज से सहमत हूँ, तो जब उनकी बीवी उनसे सहमत नहीं है और इनसे सहमत है योगी जी से, तो हम तो वैसे ही सहमत नहीं। तो परिवार वाले ही सुनो, परिवार वाले चुनाव वो सरकार चलाएंगे? बताओ। अच्छा जी बताओ, परिवार वाले सरकार चलाएंगे?
जो परिवार चला पाएंगे तभी तो सरकार चला पाएंगे। तो योगी और योगी को तो परिवार ही रहा है, तो ये परिवार ही तो एक जाने। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, परिवार ना वो आदमी पहले ना जोड़ रहा, तो चाचा था भूपन अगले जोड़ रहे हैं। चलो कोई बात ना है, कोई बात ना है। देखो भाई तो रखी नहीं गई, अब इनको कहो है, कोई कह रहा है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, कोई कह रहा है कि सपा की जो बहुए हैं, सपा के जो परिवार के लोग हैं वो भाजपा में जा रहे हैं, जो सपा वाले थे अपना परिवार ना संवारा जा रहा तो सरकार का संवारेंगे, कोई कह रहा होगा धर्म की राजनीति चल रही है। मुद्दा ये है कि साहब कोई भी पार्टी आए, जैसे कि हमारे भैया कह रहे हो कि कोई भी पार्टी आए विकास कराए, चाहे सपा आए, चाहे भाजपा आए, चाहे बसपा आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे रालोद आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, जो विकास कराएगा वो उत्तर प्रदेश की सीट पर राज करेगा, जो विकास नहीं कराएगा वो यहाँ बात जाएगा। तुम्हारे संग ब्रजवासी राघवेंद्र, एक बार फिर से नया मुद्दा और जो नई बहस लेके आएंगे। राधे राधे। प्रभात।